नमस्कार। एक और खतरनाक चीनी वायरस ने दी भारत में दस्तक। नई दिल्ली, करीब 10 महीने पहले शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी का कहर अब भी भारत सहित दुनिया भर में कायम है। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। कोरोना वायरस से अब तक उबर नहीं पाए हैं और इसी बीच एक और बीमारी ने दस्तक देकर सबकी नींद उड़ा दी है। चीन में एक और खतरनाक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी अपना कहर बरपा रही है। कोरोना की तरह यह भी धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के आंकड़ों के मुताबिक गांसू प्रांत की राजधानी लांजो में अब तक 3,000 से ज्यादा लोग ब्रूसिलोसिस नाम की इस बैक्टीरिया के शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रूसिलोसिस इंसानों और जानवरों दोनों को ही प्रभावित करता है। क्या है ब्रूसिलोसिस? ब्रूसिलोसिस एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो खासतौर पर गायें, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्तों को संक्रमित करती है। इंसानों में भी संक्रमण हो सकता है अगर वे संक्रमित जानवरों के संपर्क में आए, जैसे कि संक्रमित पशु उत्पादकों को खाने पीने से या ऐसी हवा में सांस लेने से जहां बैक्टीरिया मौजूद हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि अक्सर ये बीमारी संक्रमित जानवरों से नहीं बल्कि पौष्टिकृत दूध या पनीर लेने से इंसानों में आ रही है। हालांकि इसमें इंसानों से इंसानों में बेहद कम संक्रमण होता है। WHO के मुताबिक ये बीमारी दुनिया के कई देशों में पाई जाती रही है। इसका इलाज भी संभव है, हालांकि दवाइयों का सिलसिला 1-1.5 महीने तक चल सकता है। भारत में ब्रूसिलोसिस हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स का दावा यह है कि बीमारी भारत में प्रवेश कर चुकी है और मनुष्यों के साथ जानवरों को भी प्रभावित करने लगी है। ऐसे में पहले ही कोरोना को लेकर चिंतित वैज्ञानिकों की चिंता इस बीमारी की वजह से और अधिक बढ़ गई है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंता में है कि अगर ये बीमारी भी COVID-19 की तरह महामारी के रूप में फैल गई तो देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। क्या हैं इसके लक्षण, आइए जानते हैं। बीमारी के लक्षण आने में 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अक्सर 2 से 4 हफ्ते में लक्षण दिखने लगते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, पसीना आना, थकान, भूख न लगना, सिर दर्द, वजन घटना और मांसपेशियों में दर्द। कई लक्षण लंबे वक्त तक रह सकते हैं और कुछ कभी नहीं जाते, जैसे कि बार बार बुखार होना, जोड़ों में दर्द, अंडकोश में सूजन, दिल या लीवर में सूजन, दिमागी लक्षण, थकान, तनाव आदि। ब्रूसिलोसिस के लिए नहीं है वैक्सीन। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों बीमारियों यानी कोरोना वायरस और ब्रूसिलोसिस के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। हालांकि इनमें एक अंतर यह है कि ब्रूसिलोसिस के रोगियों में गठिया, स्पॉन्डिलाइसिस, रीढ़ की सूजन और अंडकोश में सूजन के भी लक्षण नजर आते हैं। एक और बड़ा अंतर यह है कि COVID-19 के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ब्रूसिलोसिस के इलाज के लिए कई एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं। वही समानता यह है कि दोनों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं हो पाई है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।